हेलो गाइस, मैं हूं सार्थक कपूर। ये है ए टू जेड मार्केटिंग सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग, जिसको बहुत लोग एबीएम स्ट्रैटेजी के नाम से भी जानते हैं। तो चलो देखते हैं यार, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है और कैसे स्ट्रैटेजी को यूज करके आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सपोज करते हैं कि आप एक मैनेजर, एक बहुत बड़े मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस के, और अब आपके पास आपका एक वेंडर आता है और आपको कहते हैं कि सर हमने ना ये नया सॉफ्टवेयर बनाया, अगर आप इसको अपने बिजनेस के अंदर यूज़ करोगे ना तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो 20% इंक्रीज हो जाएगी और आपकी जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। फिर आप देखोगे उस सॉफ्टवेयर की, भाई ऐसा कौन सी चीज़ आ गई, माई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, कॉस्ट भी कम कर रही है। क्योंकि आप उस बंदे को पहले से ही जानते थे, आप एक बार कहोगे ठीक है यार एक बार प्लीज़ दिखाओ आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है, आपने उस सॉफ्टवेयर को ट्राई किया और एक्चुअली जैसे उस वेंडर ने कहा था वो वैसे ही काम करते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगी कि यार कोई अगर ऐसी चीज़ है जो आपकी कॉस्ट कम कर रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, तो ऑब्वियसली आप उस सॉफ्टवेयर को लगाने लग जाओगे। और ऐसे ही जब कोई भी बिज़नेस किसी दूसरे बिज़नेस के पास जाता है उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या कोई ऐसा प्रोडक्ट निकालते हो स्पेशली सिर्फ उसी बंदे के लिए बनाओ, तो वो एक स्ट्रैटेजी होती है एबीएम स्ट्रैटेजी या अकाउंट बेस्ड स्ट्रैटेजी। अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग एक ऐसी टाइप की मार्केटिंग है जो B2B बिजनेसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस टाइप की मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम पूरी ऐसे दुनिया के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हमारा प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जो हर एक बंदे की नीड सॉल्व कर रहा है, हम अपना प्रोडक्ट स्पेसिफिक सिर्फ किसी इंडिविजुअल के लिए बनाएंगे, किसी इंडिविजुअल बिजनेस के लिए बनाएंगे, और जो भी हमारी टारगेटिंग होगी उसमें हम कहेंगे कि यार ये हमारा मेन अकाउंट है। लेट्स सपोज मैं एक ए बिजनेस हूं और मैं जो प्रोडक्ट बनाया वो किसी बी बिजनेस के लिए बनाया, तो हम कहेंगे हमारे जितने भी मार्केटिंग एफर्ट्स हैं वो सारे के सारे स्पेशलाइज्ड होंगे, पर्सनलाइज्ड होंगे सिर्फ और सिर्फ बी बिजनेस के लिए। हम जब नॉर्मली मार्केटिंग करते हैं, जब हम सोशल मीडिया पे एड्स चलाते हैं या जब हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं, तो जो हमारी कॉपीराइटिंग होती है या जो हमारी स्क्रिप्ट होती है वो बहुत ज़्यादा जनरल होती है। हम ऐसी जनरल बातों का यूज़ करते हैं, ये प्रॉब्लम शायद आपको आ रही होगी, शायद ये चीज़ हो रही होगी। बट जब हम अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग का यूज़ करते हैं, हम पहले ही सेट कर लेते हैं यार हम जितने ही मार्केटिंग एफर्ट्स हैं वो सिर्फ बी कंपनी के लिए हैं, तो हम जो भी चीज़ें लिखेंगे वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए लिखी जाएंगी, जो भी उनको प्रॉब्लम्स होंगी हम स्पेशली उनको मेंशन करेंगे। बेसिकली एबीएम स्ट्रैटेजी या अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग एक ऐसी टाइप की मार्केटिंग है जिसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को पर्सनलाइज कर देते हैं। तो चलो अब इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स सपोज आप एक SaaS सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आप दूसरे बिजनेसेस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बना रहे हो। अब आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हो जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को एकदम चेंज कर देगा, जो स्पेसिफिकली अलग अलग रेस्टोरेंट्स के लिए पर्सनलाइज है। आपने ऐसा करा, यार मेरा जो सॉफ्टवेयर है ना ये सिर्फ वही रेस्टोरेंट्स यूज़ करेंगे जिनकी बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजी है, जिनकी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे सेल हो रही है, अगर मेरा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो उनके सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। आप कहोगे यार अब ये मेरा सॉफ्टवेयर किस बिजनेस को मैच करेगा। फिर आपने ये देखा जो हमारी KFC ब्रांड है, अगर वो आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करे तो एकदम बढ़िया तरीके से उनके सारे सिस्टम स्ट्रीमलाइन कर सकते हो आप। तो फिर आप क्या करोगे, जैसे इंडिया के अंदर जो हमारा KFC को ओन करता है वो है दिव्यानी इंटरनेशनल, तो आप दिव्यानी इंटरनेशनल के पास जाओगे कि देखो यार हमने आपके KFC ब्रांड के लिए कैसे स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर बनाया, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपके सारे के सारे प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, आपको हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रॉफिट, हर एक चीज़ बहुत ईजिली दिख जाएगी। वैसे उनके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा, बट लेट सपोज करते हैं उनके पास नहीं है, आपने कुछ ऐसा स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर बनाया। आप उनके पास गए, वो आपके सॉफ्टवेयर को देखेंगे कि यार ये सॉफ्टवेयर तो सिर्फ हमारे लिए पर्सनलाइज है। आप जितनी मार्केटिंग करोगे वो कहोगे यार आप ऐसा करते हो बट हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। आप जितनी भी चीज़ें करोगे सिर्फ और सिर्फ उनके लिए करोगे। ऐसे टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग। बेसिकली अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग के अंदर हम पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो सर्विस बना रहे हैं, किस बंदे के लिए हो, किस अकाउंट के लिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके बाद हम प्रॉब्लम उनकी देख लेते हैं, तो फिर जितनी भी हम मार्केटिंग करते हैं हम उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम आपको शायद हो रही है। अपने सारे मैसेजेस हम एकदम पर्सनलाइज करते हैं और उनसे फिर कम्युनिकेट करते हैं कि सर आपको ये प्रॉब्लम है, हम ये चीज़ सॉल्व कर लेते हैं। जब भी हम मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग फनल का यूज़ करते हैं, बट अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग में हम इस फनल को उल्टा कर देते हैं। पहले समझते हैं कि पहले कौन सी फनल यूज़ करते थे और इसमें फनल चेंज कैसे हो रही है। नॉर्मली जो हमारी फनल होती है उसमें पहले हम बहुत सारे लोगों को लेते हैं, हम अवेयरनेस की स्टेज के अंदर बहुत सारे लोगों को अवेयर करते हैं, उसके बाद हमारी फनल छोटी हो जाती है, जितने लोगों को हमने अवेयर किया उससे थोड़े लोग चले जाते हैं, थोड़े लोगों को फिर हम इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करते हैं, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हैं, बेनिफिट्स बताते हैं कि उन लोगों के दिमाग में हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट जाग जाए, उसके बाद हम और छोटी कर लेते हैं फनल को,
एकदम फाइनल कंसिडरेशन की स्टेज पे आ जाते हैं कि ठीक है भाई तो बहुत कम लोग बचे हैं, चीज परचेज कर लो। बट हमारी अकाउंट पेज मार्केटिंग के अंदर ये फनल एकदम उल्टी हो गई। इसमें हम स्टार्ट करेंगे छोटे से और धीरे 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 बड़े होने की कोशिश करेंगे। जैसे अकाउंट पेज मार्केटिंग के अंदर हमारा फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना। हमें ऐसे कोई की अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस है वो उसके लिए एकदम परफेक्ट होगी। हम पहले उस की अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अभी हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे तो हमें जितनी मार्केटिंग एफर्ट्स करने हैं केएफसी से रिलेटेड करने हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा फेज आता है वो आता है एक्सपैंडिंग फेज। इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हमने ये देख लिया यार केएफसी ना हमारा की अकाउंट है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो केएफसी में बहुत अच्छा काम करेगा। बट हम ये देखेंगे यार सिर्फ केएफसी को थोड़ी ना बेचना है, हम फिर केएफसी जैसे जो सिमिलर बिजनेसेस होंगे उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमने देखा यार हमारा सॉफ्टवेयर केएफसी के साथ बहुत बढ़िया काम कर रहा था, मे बी यही सेम चीज़ और डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट के साथ भी हो जाए। तो हम फिर एक्सपैंड करेंगे, केएफसी से हमने एक्सपैंड किया डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है ये है एंगेजमेंट फेज। इसमें हम क्या करेंगे, हमने जो की अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया जैसे यहाँ पे हमने केएफसी डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उनको प्रॉपर स्टडी करेंगे। हम ये देखेंगे यार इनकी सेल्स कैसी है, इनकी कॉस्ट कितनी है, इनका प्रॉफिट कितना आ रहा है, हम कैसे इनकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, प्रॉफिट को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या उनको प्रॉब्लम्स क्या हो रही है इनकी डे टू डे बिजनेसेस में। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो बार बार इनको हो जा रही है, क्या हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम उनकी सारी प्रॉब्लम्स नोट डाउन करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और उसके बाद जब हमने ये नोट डाउन कर लिया इनको प्रॉब्लम ये है, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, हम फिर उनके साथ एंगेज करेंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करेंगे। हम ये देखेंगे कि उस बिज़नेस के अंदर ऐसा कौन सा बंदा है कि यार अगर हम उसको कॉन्टैक्ट करेंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट को मे भी खरीद सकते हैं। क्या उस बिज़नेस का सीईओ है, जो ऑपरेशंस मैनेजर है, वो ऐसा कौन सा बंदा है जिसको हमें टारगेट करना है, जिसको हमें एक्चुअली मैसेज करना है। फिर हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं उनको मैसेज करने के लिए। जैसे यहाँ पर लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। लिंक्डइन के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि उस कंपनी के अंदर ऑपरेशंस मैनेजर कौन है या परचेज मैनेजर कौन है। हमने एक बार ये देख लिया कि यार वो बंदा परचेज मैनेजर है, फिर हम डायरेक्टली उस बंदे को मैसेज कर सकते हैं और जो हम मैसेज लिखेंगे वो एकदम पर्सनलाइज मैसेज लिखेंगे कि अगर ऐसा आप एक होलसेलर हो और आप एक रिटेल ब्रांड को अपना कोई मैसेज भेज रहे हो तो आपका मैसेज एकदम पर्सनलाइज होगा कि सर हमारी क्वालिटी ऐसी है, आपकी ब्रांड ये स्टाइल के प्रोडक्ट्स यूजुअली बेचना पसंद करती है और जो हम बेच रहे हैं वो भी इसी स्टाइल के प्रोडक्ट है तो मे बी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। हमारा जो मैसेज होगा हम उसको बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज बनाएंगे कि जो बंदा उस मैसेज को पढ़ रहा है उसको ये लगे यार ये मैसेज हमने सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बनाया। अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग में हम ये ज़रूर करते हैं यार अगर हम 5 ब्रांड्स को मैसेज लिख रहे हैं ना, हम 5 के लिए अपने मैसेज चेंज करेंगे। हम ये देखेंगे कि यार हर एक ब्रांड की इंडिविजुअल नीड्स कैसी हैं और उसी के हिसाब से अपना मैसेज चेंज करेंगे। ये नहीं करा यार 5 के 5 को सेम ही मैसेज लिख दिया फिर हम होप कर रहे हैं कि यार वो हमें रिप्लाई करें। अगर हम हर एक को जनरल चीज़ें लिखते रहेंगे तो हमारी नॉर्मल मार्केटिंग आ गई। अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग में अलग ही ये चीज़ है कि हम हर चीज़ यहाँ पे पर्सनलाइज कर रहे हैं, इसलिए अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग B2C बिजनेसेस में कभी भी यूज़ नहीं हो सकती। हमारे हज़ारों कस्टमर हो सकते हैं, हम हज़ारों कस्टमर्स के लिए अलग अलग मैसेज लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी जो ये अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ये स्पेसिफिकली यूज़ होती है B2B क्लाइंट्स के लिए। जैसे अगर हम B2C क्लाइंट्स की बात करके चलें तो B2C बिजनेसेस में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हज़ारों क्लाइंट्स हैं तो अब हज़ारों क्लाइंट्स के लिए हम हर एक बंदे के अलग मैसेज लिखेंगे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर ऐसा है आपकी कंपनी एकदम लग्जरी प्रोडक्ट्स बेच रही है, आपके कस्टमर्स ये गिन चुके 20-25 हैं, उन्हीं 20-25 कस्टमर्स को आप बहुत महंगी आइटम्स बेच रही हो तो आप हाँ उन लोगों के लिए सारी चीज़ें पर्सनलाइज कर सकते हो। जैसे आपने भी ये देखा होगा यार कई ऐसी कंपनीज भी हैं जो एकदम कस्टमाइज आईफोन्स बनाती हैं। अगर आप उनका आईफोन लोगे तो पहले आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि यार आप एक ऐसे इंडिविजुअल ओनर हो इस पर्टिकुलर आईफोन। तो वैसी कंपनीज क्या करती हैं, अपने सारे के सारे मैसेजेस को भी पर्सनलाइज करती हैं। बट यूजुअली जो हमारे B2C बिजनेसेस होते हैं क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स हैं तो हम अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग का यूज़ नहीं करते। अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग को हम स्पेसिफिकली सिर्फ B2B मार्केट के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा अब जो हमारी फनल का लास्ट स्टेप है यह है एडवोकेट करना। इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, चलो यार हमने एक बार KFC को डोमिनोज को पिज़्ज़ा हट को अपना सॉफ्टवेयर बेच दिया, अब आगे क्या करना है, अब आगे हम क्या करेंगे, हम उनकी केस स्टडी उठाएंगे। हम ये देखेंगे कि यार हमने KFC को अपना सॉफ्टवेयर सेल किया उसके बाद उनका प्रॉफिट इतने परसेंट एक्चुअली इंक्रीज हो गया, हमने डोमिनोज को अपना सॉफ्टवेयर सेल किया उनका एक्चुअली कॉस्ट इतने परसेंट रिड्यूस हो गई। फिर हम उनका एग्जांपल और अलग अलग ब्रांड्स को देंगे, हम KFC के पास ही जाएंगे या हम दिव्यानी इंटरनेशनल के पास ही जाएंगे कि ठीक यार आपकी एक ब्रांड है KFC के अलावा आपकी और भी तो ब्रांड्स है, देखो यार हमने आपका प्रॉफिट इंक्रीज किया, आप दूसरी ब्रांड्स के अंदर भी हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू कर दो। एडवोकेट के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सपैंडिंग वाला स्टेप था ना, बेसिकली एडवोकेट के अंदर हमारा स्टेप और बड़े लेवल पे इंक्रीज हो रहा है।
एक्सपैंडिंग वाले स्टेप के अंदर तो हम ये देख रहे थे यार हमारा ये की अकाउंट है इससे सिमिलर कंपनीज कौन सी है। एडवोकेटिंग वाले स्टेप में हम देखेंगे यार जितनी भी कंपनीज है ना इनका देखो रेवेन्यू कितना है, इनका प्रॉफिट कितना है, हमारे सॉफ्टवेयर ने इनकी कैसे हेल्प करी। अब हमें बाकी कंपनीज देखनी यार बाकी मार्केट में और कौन सी कंपनीज है जिनका इतना ही रेवेन्यू है इतना ही प्रॉफिट है जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और हम उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। उनकी हम हेल्प करने जाएंगे हमारा सॉफ्टवेयर बिक जाएगा हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। अब चलो ये देखते हैं यार अपने बिजनेस के लिए आप अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग शुरू कैसे कर सकते हो। अपने बिजनेस के लिए अगर आपने अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग शुरू करनी है सबसे पहले आप ये देखो अगर आप बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हो तो आपके बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो बहुत पहले से आपसे सामान ले रहे होंगे। अब उन्हीं कस्टमर्स को देखो यार उन कस्टमर्स का आपको डाटा कलेक्ट करना है कि उनका रेवेन्यू कितना है वो किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं वो एक्चुअली उनकी नीड्स क्या हैं और आपको फिर उन्हीं के जैसे जो अलग अलग बिजनेसेस हैं उनको फाइंड आउट करना है। ऐसा तो यार आपके 5 कस्टमर्स थे आपने 5 कस्टमर्स को एनालाइज कर लिया इसके बाद आप ये देखो कि यार उन 5 कस्टमर्स से जैसे और कस्टमर्स आप कैसे ढूंढ सकते हो। अब चलो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं ये सपोज करते हैं कि यार आपको उन्हीं जैसे और बिजनेसेस मिल गए हैं अब आप क्या करोगे वो दूसरे बिजनेस को एकदम एनालाइज करोगे यार उनको वो प्रॉब्लम फेस हो भी रही है कि नहीं हो रही या ऐसा है कि आप जो सर्विस बेच रहे हो मे बी वो सर्विस 2 अलग अलग बिजनेस की अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो जब भी आप मार्केटिंग करोगे आप हर एक बिजनेस की प्रॉब्लम के हिसाब से ही अपने मार्केटिंग एफर्ट्स करोगे। उसके बाद चलो हम अगले स्टेप पे आ जाते हैं कि ठीक है यार आपने बिजनेसेस को आइडेंटिफाई कर लिया उनकी प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई कर ली अब फाइनली उनको मार्केटिंग करनी है आपने अपनी पूरी पर्सनलाइज मार्केटिंग मैसेजेस भी बना लिए कि ठीक है यार इस बिजनेस को ऐसे दूंगा। बट अगर ऐसा है कि आपने 20 अलग अलग की अकाउंट्स निकाले हैं उसमें से आपको ये देखना होगा यार इन 20 में से एक्चुअली ऐसे कौन लोग हैं जो मेरा प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे जिसमें मेरे को अपने एफर्ट्स बढ़ाने चाहिए। इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं पॉइंट सिस्टम को। पॉइंट सिस्टम ऐसे है हम हर एक बिजनेस को अलग अलग पॉइंट्स देंगे। लेट सपोज अगर एक बिजनेस आपकी वेबसाइट के ऊपर आए आप उसको 1 पॉइंट दोगे अगर उस बिजनेस ने आपके सेल्समैन को कॉल किया तो आप उसको 5 पॉइंट दोगे अगर वो बिजनेस आपके प्राइसिंग पेज में आया तो उसको 15 पॉइंट दोगे। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो बार बार आपको कॉल करके पूछे जा रहा है अलग अलग मीटिंग्स ले रहा है आपके साथ कि भाई अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्स्ट्रा मेरे को बताओ आप उसको और एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते रहोगे। और ऐसे ही आप ये देखोगे उन 20 में से ऐसे कौन से बिजनेस हैं इनको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले जितने ज़्यादा जिस बिजनेस को पॉइंट मिलेंगे आपको उतने ज़्यादा उस बिजनेस पे एफर्ट्स लगा रहे हैं। इस पॉइंट सिस्टम का बेसिक लॉजिक ही है कि अगर कोई आपका पोटेंशियल क्लाइंट आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है तभी वो बार बार आपसे इंट्रैक्ट कर रहे हैं जितना ज़्यादा इंट्रैक्ट कर रहे हैं उसके उतने पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत लॉजिकल स्टेप है कि अगर आप उन बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपकी सेल हो जाएगी। अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस आजकल क्या कर रहे हैं वो पहले ये देखते हैं कि यार जो उनका प्रोडक्ट है वो उन्होंने किसको सेल करना है। जब उन्होंने ये पूरे लिस्ट निकाल ली हाँ यार इन लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल करना है ऐसे इनके पेन पॉइंट्स हैं ऐसे हम इनकी हेल्प कर सकते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं हर एक बंदे के साथ अलग अलग वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। या अगर ऐसा है कि आपको पता है वो आपको पोटेंशियल क्लाइंट उस मीटिंग में आने वाला है या उस इवेंट में आज आने वाला है तो आप स्पेशली उस बंदे के लिए अलग अपने एक बिजनेस कार्ड बनाते हो और उस बंदे को अपना बिजनेस कार्ड तक पर्सनलाइज करके देते हो कि यार हमारे बिजनेस कार्ड के ऊपर भी ना ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई है जो आपकी बहुत काम आ सकती है। सो बेसिकली अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग के अंदर हमें ऐसा नहीं करना है यार हम कुछ जनरल चीज़ें कर रहे हैं बल्कि हमें अलग अलग अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है अलग अलग बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करना है और उनके लिए हर चीज़ एकदम पर्सनलाइज देनी है जिससे उनको एकदम पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिले और उनको भी लगे यार हम एक्चुअली उनके बारे में सोच रहे हैं और एक्चुअली हम उनके काम आ सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।